मुश्किल हो जाना था। मुझे डर था कि कहीं ये ना हो कि सारा पानी जिस तरह से पहले हुआ है मिक्स ना हो जाए, मक्खन निकले ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वापस होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी रहमत के साए तले रखे, आमीन सुम आमीन। अभी जी मक्खन के लिए जाग लगा ली थी मैंने मलाई को, और आज मैं बनाने लगी थी फर्स्ट टाइम इसके साथ हैंड बीटर के साथ मक्खन को। और मक्खन साहब जो एक बार मुझे डरा दिया और मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा मैं इतना अरसा जो है ना मलाई इकट्ठी करती रही हूँ मक्खन के लिए, और जो है जी ये ना हो कि आज मैंने सारी मलाई उसके अंदर एक ही बार पानी में ढोंस दी है, तो ये ना हो कि जी बस सारी मलाई और पानी जो है ना एक होके बैठ जाए और मक्खन निकले ना। पर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब पहले तो मेरा सांस खुश्क हो गया कि मैंने कहा चलो जी आज काम हो गया मेरे से ख़राब, तो फिर जो है जी शुक्र है अल्लाह का कि जी मक्खन निकलना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी मक्खन हमारा तैयार हो चुका था और इसका फिर मैंने बनाना था, एक दिन हम खा लेते हैं फ्रेश जो है मक्खन का, फिर वरना जितना भी हो तो चले हम जो है ना देसी घी बना कर रखते थे। तो ये जी मक्खन हमारा निकल रहा था और फिर मैंने ना डर के मारे आधा उसमें से मलाई निकाल दी, और साथ ही जी मक्खन बन चुका था तो साथ मैंने फिर लस्सी बना ली। हस्बैंड ले आए थे, दही ले आए थे, कहते हैं कि जी मैंने लस्सी बना पीनी है, तो फिर इस वजह से मैंने साथ ही लस्सी के लिए जो है दही डाल दिया, पानी डाल इसके अंदर नंबर के लिए इसके अंदर भी मिक्स कर लेती हूँ। और मैं फिर जो है इस चीज़ का ज़्यादा बन सकती लम्स ना बन रहे हैं, और इस वजह से फिर मैंने कहा चलो डाल देते हैं पानी इसमें पड़ा, फिर निकालें किसी चीज़ में। तो काफ़ी लेट हो गया था, बेबी हमारी बहुत तंग आई थी, उसकी तबीयत नहीं सेट हो रही क्योंकि वो बच्चा जब दांत रखता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये जी शुक्र अल्लाह का नहीं थे इसमें लम्स वगैरह नहीं थे बने, और मैं फिर इस तरह से फेंटा उसको तो अच्छी तरह से करता हाँ अच्छा हो गया। साथ ही हमने इसमें पानी डाल दिया, डाल के रख खाई थी और लस्सी भी तैयार हो गई थी, और हस्बैंड बात कर रहे थे फ़ोन पे, बच्ची रो रही थी हमारी, और साथ में एक पराठा भी मैंने बनाया। फिर मैं चली गई किचन में से बाहर के ताकि से जाके पकड़ लूँ, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मम 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 कर रही थी। तो अभी हैर बोलती तो नहीं है उस तरह से, पर उसे पता होता है कि मैं इस तरह से बुलाऊँगी तो ऐसे रोती है मम 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 मम। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि जी इसे पकड़ लूँ, मैं चली गई थी साथ चटनी गई। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकल चुके थे और ये हमें कुछ एलईडी वगैरह देखनी थी, तो मेरी बेटी ने मेरा बस हर टाइम पे निकाब, बस गाड़ी में बैठ जाओ तो निकाब मेरा खींचती रहती, और मेरा निकाब भी इस तरह से ख़राब हुआ हुआ था। फिर हमने रुके वहाँ पे जाके, एलईडी बहुत ज़्यादा रेट्स जो है ना उनके हाई हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो इतने सोचते सोचते कि ताकि हम कुछ खा लें, चिप्स वगैरह खाए, फिर ये चना चाट थी उनकी तो हमने उधर से खाए। फिर हम दूसरी शॉप पर गए, यहाँ पे हायर की शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा इधर शॉप्स वगैरह हैं, फिर हम लोग उधर चले गए, फिर उधर से रेट्स वगैरह लिए, तो ताकि भी चेक करें रेट्स वगैरह क्या सही हिसाब किताब है, हमें हमने अच्छी वाली मिल जाए। तो ये जी हम लोग वहाँ से चिप्स वगैरह खा के तो निकल चुके हैं, और बेटी मेरी ने हशर किया हुआ है, मैंने कहा वो ऊपर करती हूँ वो नीचे करती है। खैर ये जी भूख लगी थी तो वो तो हमने सारा सारा खाया ना चिप्स और वो चाट, फिर उसके बाद हम मैकडोनल्ड्स आ गए, और मैंने लिया रैप और मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए बर्गर। फिर हम वहाँ से खा के आके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर हर टाइम पे वीडियो नहीं बन सकती, बेबी भी होती है, बहुत मुश्किल से मैंने तो खाया। खैर पहले हस्बैंड को मैंने कहा कि आप खा लें, फिर जो है ना मैं खाती हूँ कि ताकि जो है ना इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि वहाँ पे बेबी चेयर्स वगैरह कोई नहीं थी। तो ये जी बनने लगी है हमारी बिरयानी, और बिरयानी की काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने बिरयानी नहीं बनाई, हस्बैंड का इतना दिल चाहता है ना बिरयानी खाने को, और पर हमने जो है ना काफ़ी अरसे से बिरयानी नहीं बनाई थी घर पे। बाहर से तो खा लेते हैं, मंगवा भी लेते हैं, पर वो चीज़ तो नहीं होती ना जो इंसान घर पे बनाता। तो खैर जी ये बनने लगी है हमारी स्पेशल बिरयानी,
और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी कहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। और ये है कि सबसे पहले मैं इसको मैरिनेट करूँगी ना, मैरिनेट करने के लिए मैंने चीज़ें वगैरह आपको बताऊँगी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, कि झटपट बन जाती है, तकरीबन आप समझेंगे 35 मिनट भी आपके नहीं लगने हैं और आपकी बिरयानी माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। ये जी मैंने 2 अदद लीमू का रस निचोड़ लिया था और इसके ऊपर मैंने चिकन डाल दी थी, 3 अदद मैंने ग्रीन मिर्च ली थी और मैंने साबुत ग्रीन मिर्च ली थी, कोई पेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं डाला, और इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था और नमक, और उसके बाद हल्दी पाउडर और सिरका, लेमन जूस, पुदीना, पुदीने के कुछ पत्ते डाले थे क्योंकि ये होता है पुदीने का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं इसमें शामिल किया क्योंकि वो हम बनाएंगे जब प्याज फ्राई करेंगे, उसके अंदर हम जो है ना उसको डाल देंगे क्योंकि उसके अंदर जो है ना ज़रा ज़्यादा अच्छे से वो फ्राई हो जाता है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा रहता। तो ये जी मैंने मिक्स करके इसको रख दिया था, तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए रख दिया था। इतनी देर में साथ मैंने चावल बॉईल करी थी, मैं बर्तन ज़्यादा नहीं बढ़ती ना, जिसकी वजह से फिर जो है मैं एक ही देशकी के अंदर मैं सब कुछ बना लेती हूँ, वरना बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं आपके। मसाला बनना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू आ गया है और प्याज फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, क्योंकि मेरी क्वांटिटी चिकन की कम है और इसकी वजह से मैं कम डालती हूँ। मुझे वैसे भी अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, मैं सिर्फ उसकी स्मेल मारने के लिए, चिकन की उसको ख़त्म करने के लिए मैं ये डालती हूँ, वरना क्या नाम है, मुझे अदरक लहसुन हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, उसकी स्मेल नहीं पसंद। तो खैर ये जी मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने 2 अदद बड़ी टमाटर डाल दी है इसके अंदर। और ये देखिए इसका बन जाएगा मसाला। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालने हैं आपने, क्योंकि आपके टमाटर अक्सर क्या होता है, ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा टमाटर डाल देती हैं और बिरयानी का जो एक मसाला होता है, टेक्सचर होता है ना उसका, वो मिठास में आ जाता है प्याज और टमाटर के साथ। खटास तो होती है पर ये कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है और ज़्यादा प्याज के साथ वो मिठास हो जाती है। तो अक्सर जो है मैं अपनी मतलब बड़ी भाभी के घर जाती थी, वो प्याज का मसाला बहुत ज़्यादा बनाती थी, जिसकी वजह से ना एक मिठास सी आ जाती है खटास के साथ, तो एक मिठास महसूस होती है कि प्याज बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। तो इसकी वजह से आप इस तरह से मसाला बनाकर एक बार देखिएगा, ताकि ग्रेवी वाला मसाला बनाएंगे ना आप, तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी और जो है आपको ज़्यादा प्याज की मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी के साथ आपका मसाला अच्छे से बन जाएगा। ये जी चिकन हमने ऐड कर दी है, हमारे टमाटर गल चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और यकीन जानिए कि मैंने जब यह बनाई है ना, तो तब मैंने एक दिन ख़त्म हो गई है, तो दूसरे दिन जो है मैंने दोबारा से बिरयानी थोड़ी सारी बनाई, एक गिलास चावल लेके दोबारा से मैंने बना ली, क्योंकि मेरा दिल इतना ज़्यादा कर रहा था ना कि इतनी मज़े की माशाल्लाह बनी थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है सालन नहीं बनाया मैंने, तो आज दोबारा से मैं बना लेती हूँ रात को बिरयानी। तो फिर मैंने जो है 2 प्लेट बिरयानी दोबारा से बना ली। तो ये जी अब इसको मैं डाम के थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी। अगर आप लोग इसके अंदर जब ये गलने शुरू हो जाती है चिकन, तो आप इसके अंदर से टेस्ट कर सकते हैं कि जी नमक मिर्च या कोई मसाला की कमी है, तो आप ऊपर से इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको डाम देंगे ताकि चिकन जो है नरम और मुलायम हो जाए, और उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
माशाल्लाह से जी हमारा चिकन कौरमा रेडी हो चुका है। अब हम जो है लगाएंगे इसको, चावल की तह लगाएंगे और चिकन पहले थोड़ी साइड निकाली है, मैंने दो ही तह लगाई थी। तो ये देखिए, और ग्रेवी भी आपके सामने है, बहुत कम नहीं है। मैंने प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डाले, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डाले, सिर्फ दही की ज़्यादा, और टमाटर दो टमाटर लिए थे तो मैंने इससे ग्रेवी बना ली थी। तो माशाल्लाह से ये अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है, वरना आप ये समझें कि बिल्कुल ना आपके चावल जो है शोरबे के साथ वो लतपत हो जाएंगे। मतलब आप इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी बना के, चावल की क्वांटिटी अगर आपकी कम होगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही वो गीले गीले हो जाएंगे, बिरयानी कम लगेगी और आपको सालन चावल ज़्यादा लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक तह लगा दी है और इसके ऊपर मैं चिकन डालूँगी और जो थोड़े सारे चावल बच रहे हैं उसके ऊपर डाल कर और इस तरह से करके सारा जो ऑयल वगैरह है वो भी डाल दें। बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा क्योंकि वो चावल जो हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो चीज़ बिरयानी की आपकी वो ख़त्म हो जाएगी जो कि एक बिरयानी की शक्ल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बम्बई बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह खुशबू से पूरा घर जो है ना पूरा रौनक हो गया है। और अब हम खाएंगे और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करना मस्त है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाय बाय।